उसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने हल्का नहीं करना है, हाई फ्लेम पे आप लोगों ने वेजिटेबल को रखना है। वेजिटेबल को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। जो हमारी क्रोजेट है वो थोड़ा टाइम लेती है, तो हम इसको स्टेनर में निकाल लेंगे। तो हमारे आलू भी रेडी हो चुके हैं जितने हम लोगों ने करने थे। अब इसको भी जल्दी से निकाल लें ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। दोनों वेजिटेबल को हम लोगों ने स्ट्रेनर में निकाल लिया। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कैसे सारे स्पाइसेस लगा के बेक करना है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लिया और उसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम मैंने जो ली थी वो मेरी लाइट थी। आप लोग हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और क्रीम थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और इस क्रीम में अब तमाम स्पाइसेस हम लोग ऐड कर देते हैं। और अब ये जो ग्रीन कोरिएंडर था ये भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग ट्रे ले ली है, और इसमें अब मैं ये स्लाइसेस इस तरह लगाऊंगी। इस तरह आप लोगों ने भी एक एक करके स्लाइसेस रखते जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह जो हमारे ब्लांच्ड किए हुए पोटैटोज़ हैं उनकी उसकी लेयर लगानी है। और जो हमने क्रीम में तमाम स्पाइसेस मिक्स किए थे वो ये हैं, अब इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह आप लोगों ने क्रीम अब शामिल करनी है। तो क्रीम हम लोगों ने डाल दी है। अब इस पर नेक्स्ट जाएगी चीज़, और चीज़ आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी भी आप लोगों को पसंद है डाल सकते हैं। इसकी ऐसे ही लेयर लगानी है चीज़ की भी, तो ये डिपेंड है आपकी चॉइस पर। जिन लोगों को ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, जिनको एक्स्ट्रा नहीं पसंद है वो थोड़ी डालें। और अब इसमें ब्लास्ट की हुई क्रोशेट है उसकी लेयर लगेगी। इस तरह आप लोगों ने तमाम स्लाइसेस रख देने हैं क्रोइये के। तो क्रोइये के भी तमाम स्लाइसेस मैंने उसकी भी लेयर लगा दिया। तो अब इस पे दोबारा से क्रीम जाएगी, ये देखें इस तरह। क्योंकि ये हमारे क्रीमी बेक्ड पोटैटोज वेजिटेबल हैं तो इसमें क्रीम जाएगी, क्योंकि जब ये बेक होनी है तो क्रीम ये काफ़ी ड्राई हो जाएगी। तो आप लोग एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं तो थोड़ी भी डाल सकते हैं। तो तमाम क्रीम और हम लोगों ने वेजिटेबल की लेयर्स लगा दी हैं, तो अब इसके ऊपर चीज़ जाएगी। चीज़ की लेयर के बाद जो नेक्स्ट जाएंगी वो हमारी तमाम वेजिटेबल्स हैं। आप लोगों ने इसी तरह ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, तमाम वेजिटेबल की लेयर्स लगा देनी है। इसमें हमारे ये पेपर्स थे, ये डिफरेंट कलर्स के पेपर्स हैं, ये स्पाइसी नहीं है, ये स्वीट थे। और उसके बाद जो चेरी टोमेटोज़ के स्लाइसेस मैंने काटे हुए थे वो मैं डालूँगी, और इसमें अनियन जाएगा। तमाम वेजिटेबल्स की लेयर्स लगा के जो लास्ट पे चीज़ जाएगी वो ओरिगानो है। ओरिगानो आप लोगों ने इस तरह तमाम वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और ये लास्ट चीज़ थी, लास्ट इंग्रेडिएंट था हमारी रेसिपी का जो इसके ऊपर जाएगा। तो ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था। इसका गैस मार्क 6 आप लोग रखिएगा, क्योंकि आधी वेजिटेबल्स हमारी ब्लास्ट होने में पक गई थी और कुछ देर हम हाफ एन आवर इसका टाइम टेकिंग है, ये ज़्यादा नहीं टाइम लेती। और हमारे आधे घंटे में ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमिलीशियस ये रेसिपी रेडी हो जाती है। आप लोग अपने घर में लाजमी ट्राई करिएगा, और रेसिपी का फीडबैक भी मुझे लाजमी ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में देना। और
और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे आप लोगों को मेरी नई आने वाली वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगी। और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। ये देखें, अब हमारी वेजिटेबल रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैं आप लोगों को एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रीमी और मज़ेदार वेजिटेबल रेडी हो चुकी हैं, और ये मैंने अपनी प्लेट में सर्व कर ली थी। सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप लोग भी रेसिपी को ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।